रामू एक जल प्राणी, रामू एक अनाथ बच्चा है। उसके गांव में उसका ना माँ है ना बाप है, घरों में काम करके अपना गुजारा करता है, खाता है पीता है। आज सुबह सुबह काम पे लग गया रामू बेटा। बेटा सुनो तो। सुनो भाइयों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ये जो रामू है ना, घर घर में काम करते फिरता है, ये गांव के लिए अच्छा नहीं है। ये जन्म लेते ही अपना माँ बाप को खा गया, तो गांव के लिए खाक अच्छा होगा। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग अगर राजू को निकाल देते हैं गांव से, तो वो जाएगा कहाँ और रहेगा कहाँ? वो काफी छोटा नहीं है बाहर जाने के लिए। और राजू बेटा, कहाँ जा रहे हो? आओ, तुमसे एक जरूरी बात करना है। हम सारे अंकल तुम्हारे मदद के लिए एक उपाय ढूंढे हैं। मुझे पता है अंकल, आप लोग कौन सा अच्छा उपाय ढूंढे हैं मुझे गांव से निकालने के लिए। आप लोग को कष्ट लेने की जरूरत नहीं है अंकल, मैं खुद निकल जाऊंगा। बस कुछ पैसा इकट्ठा कर लेता हूँ फिर चला जाऊंगा, और माफ कर देना अंकल। वाह रामू बेटा वाह, कितना समझदार हो रहे तुम। चलो जल्दी से अपना बोरिया बिस्तरा ठीक कर लो, यहाँ से निकल लो। पता चला कि मुझे कि तुम यहीं पे हो, नहीं गया हो तो ठीक नहीं होगा, समझा? चलो जाओ जाओ यहाँ से। रामू झाड़ू पकड़ के अपने गांव से निकल जाता है और चलते चलते शहर पहुंच जाता है। अब रामू 20 साल के हो चुका है और उसे शहर से भी बाहर निकाल दिया गया है। गांव के लोगों ने शहर में जाके गलत सलत फैला दिया रामू के बारे में। फिर नदी से पानी लाने जाता है रामू। उसके बाद ये तो चमत्कार हो गया, अद्भुत। क्या हो रहा है मुझे? अद्भुत। चलो रानी, अपना महल चलो। देखिए स्वामी, पूरा समंदर सूना लग रहा है आपके बिना 20 साल से। चलिए। अब नहीं होगा सुना रानी, मेरे बिना कुछ भी नहीं सुना होगा, ना ही महल और ना ही समंदर। लेकिन मनुष्य को जल नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। हे भगवान, जब से राम हो गया है तब से बारिश नहीं हुई है। देखो गांव वालों, अच्छा नहीं होगा। और समंदर प्राणी दोनों खुशी खुशी रहने लगे अपने समंदर के बीच, और गांव वालों को भी माफ करके पानी देने लगे।